साथियों, इस समय जिस तरह से देश कोरोना महामारी से अभी उभरा है, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और जो नौकरी पेशा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ही इससे प्रभावित हुए हैं। अभी भी इनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तो ध्यान दे रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,000 रुपये उनको एक प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है, उनको लग दिया जा रहा है। लेकिन शहरी श्रमिक हैं जो गांव से निकलकर शहरों में अपना कार्य कर रहे हैं, श्रमिक हैं और मजदूर हैं, ये किसान हैं, वहां अपना कार्य कर रहे हैं, इनमें कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इनके पास कोई डेटा बेस सरकार के पास है नहीं कि गाँव से कितने लोग बाहर हैं। इसके अलावा शहरी मजदूर हैं, शहरी जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, इनका योगदान देश के उत्थान में और देश के औद्योगिक विकास में बहुत ही है, अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, शहरी क्षेत्र के जो कामगार हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले और जो सड़कों के ऊपर ठेला लगा के अपना जीवन यापन करते हैं, फेरी लगा गुजारा करते हैं, प्रोत्साहन करो। अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी मांग करती है कि इनको अधिक से अधिक मदद दी जाए, अधिक से अधिक इनको सुविधा दी जाए। 1,000 रुपये के स्थान पर 3,000 रुपये लगातार 3 महीने इनको दिया जाए, तभी इनका कुछ विकास हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।